नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए घर की सौगात दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक देश के सभी बेघर परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये अहम कदम उठाया है। नए साल में ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम है। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम शहरी भारत में लोगों को आवास मुहैया कराने में अहम साबित होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु में गरीब लोगों को सरकार सस्ते, भूकंप रोधी और मजबूत मकान मुहैया कराएगी। जानकारी के मुताबिक घरों की कीमत 12,59,000 रुपए है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से 7,83,000 रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। बाकी 4,76,000 रुपए लाभार्थियों को देने होंगे। फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अनुसार होगा। फ्लैट का कारपेट एरिया 34.50 वर्ग मीटर होगा। 14 मंजिला बनाए जाने वाले टावर में 1,040 फ्लैट बनाए जाएंगे। कुल 415 वर्ग फुट के फ्लैट होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज शाम मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए देश को नई तकनीक मिल रही है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश को आवास निर्माण की दिशा में राह दिखाएंगे। पीएम ने कहा कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक से बनेंगे। ये ज्यादा मजबूत होंगे और गरीबों को सुविधाजनक और आरामदायक घर मिलेगा। पीएम ने कहा था कि एक समय था जब निर्माण सरकार की प्राथमिकता में नहीं था, लेकिन इसे बदला गया। पीएम ने कहा कि आवास निर्माण को भी स्टार्टअप की तरह चुस्त दुरुस्त रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।